हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हो बेटा? हमने कल कक्षा 9 में हिंदी विषय में माटी वाली लेसन स्टार्ट किया था, आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने पढ़ लिया था कि माटी वाली माटी बेचने जाती है, जंगल से माटी खोद कर लाती है और टिहरी शहर में बेचने के लिए जाती है, और वो पैदल ही ये काम करती है, पैदल ही माटी लेने जाती है और पैदल ही वो शहर में बेचने जाती है। और जिस घर में उसने माटी दी, उस घर के मालकिन उसके लिए चाय, उस घर की मालकिन ने उसको रोटी और चाय पिलाई, और मालकिन ने जब उसे उस पीतल के गिलास में चाय पिलाई तो वो उससे पूछती है कि ये ऐसे गिलास आजकल किसी के घर में नहीं है। क्यों? किसी का घर मतलब सबका कैसे पता उसको? क्योंकि वो सबके घर में माटी पहुंचाती है, इसलिए उसे सबका पता है। आज उसी से आगे हम वो रोटी देकर माटी वाली को और फिर दोबारा से अपनी रसोई में चली गई और उसके लिए चाय लेकर आई। अब उसी से आगे देखिए, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का समय नहीं था। वक्त का मतलब होता है समय, यानी माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में, यानी ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उसने मालकिन ने कहा था ना कि तू भाग्यवान है जो चाय के टाइम पर हमारे घर आई है, यानी तू किस्मत वाली है, तू इसलिए तू चाय के समय हमारे घर आई है। तो उस समय माटी वाली ने सोचा कि ये तो मेरे पास तो समय ही नहीं है अपना अच्छा या बुरा भाग्य, मेरा भाग्य का मुझे ही नहीं पता भी कैसा है, अच्छा है या बुरा है। या आपसे अंत में क्वेश्चन भी पूछेगा कि माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था। तो इसका आंसर आपने इस तरह से देना है कि माटी वाली सुबह से शाम तक अपने काम में लगी रहती थी। वो सुबह उठकर माटा खान से माटी लेने जाती पैदल, और फिर वहां से पैदल ही वो शहर में बेचने के लिए जाती थी, और बेचकर फिर वापस भी वो पैदल ही आती थी। इसलिए उसके पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का समय नहीं होता था। ठीक है, तो घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई। तेज निगाहें होती है तीखी नजर, यानी चारों तरफ देखा। जैसे हम कुछ छुपाते हैं तो उस समय हम इधर उधर जल्दी से देखते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा है। तो इसलिए माटी वाली ने जल्दी से अपनी चारों तरफ अपनी निगाहें दौड़ाई और देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है। उसने फोन का मतलब होता है जल्दी शीघ्र, अपने सिर पर धरे डिल्ले जो बोझा रखने के लिए जो मंडासी बनाई हुई थी, उसने जो गोल बनाया हुआ था पुराने कपड़े का, उसको हड़बड़ी में यानी जल्दी में, हड़बड़ी का मतलब होता है जल्दी में खोला। क्यों? क्योंकि उसने उसमें रोटी रखनी थी और वो रोटी मालकिन के आने से पहले रखना चाहती थी। हड़बड़ी में एक झटके में खोला और उसे सीधा कर दिया, फिर ई गहरा यानी बिल्कुल खोल के ई गहरा बना दिया उसको। खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ, यानी वो बनाया था किसका, कोई पुरानी चादर थी फटी हुई, उसी से वो बोझा रखने का बना लिया था। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ से हाथ में थामी दो रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े पर लपेट कर रख लिया, जिस डिल्ले को उसने खोला था उनमें से मालकिन ने उसको दो रोटियां दी थी, दो में से उसने एक रोटी अपने उस कपड़े में मोड़कर छुपा ली। क्यों? क्योंकि वो अपने पति के लिए ले जाना चाहती थी, और साथ ही अपना मुंह यूं ही चलाकर खाने का दिखावा करने लगी। और मालकिन आने से पहले मुंह चलाने लगी खाली, ताकि मालकिन को लगे कि इसने एक रोटी खा ली है, यानी खाली नाटक करने लगी रोटी खाने का। ठीक है,
घर के मालकिन पीतल के गिलास में चाय लेकर लौटी, यानी मालकिन रोटी तो दे गई थी उसको, अब वो चाय लेकर आई तो वो एक पीतल के गिलास में चाय लेकर आई थी। आजकल तो बर्तन होते ही नहीं है पीतल के, पहले के जमाने में होते थे पीतल कांसे तांबे के जो भी बर्तन होते थे। तो उसने वह गिलास बुढ़िया के पास जमीन पर रख दिया। ले सदा बासी साग कुछ अभी नहीं है, यानी अब सदा का मतलब होता है ताजा, यानी अभी तो साग का मतलब होता है सब्जी, यानी अभी तो कुछ बनाया नहीं है ना तो, और रात का बासी बचा हुआ भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसी के साथ रोटी खा ले, कहने का मतलब कि इसी को साग समझ ले और रोटी खा ले। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का कोई गर्म गिलास हाथ में, यानी उस कपड़े जो खोल रखा था उससे कपड़े से उस गिलास को पकड़ा ताकि वो गर्म ना लगे, और अपने होठों से किनारे गिलास के किनारे को छुआने से पहले शुरू शुरू में उसने उसके अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए सू सू करके, जैसे हम कोई भी गर्म चीज खाने से पहले फूंक मारकर ठंडा करना चाहते हैं ना, तो ऐसे ही मालकिन ने भी उस गिलास में जो चाय दी थी तो माटी वाली ने भी उसको उस कपड़े से गिलास को पकड़ा और उसमें फूंक मारने लगी ताकि वो थोड़ी सी ठंडी हो जाए। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय छुड़कने लगी। छुड़कने का मतलब होता है जब आवाज, जब हम ऐसे करके पीते हैं तो जब पीने के साथ जो मुंह से आवाज आती है उसको कहते हैं छुड़कना, ठीक है। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी, भूख तो अपने आप में साग होती है बुढ़िया, भूख मीठी की भोजन मीठा। यानी मालकिन कहती है कि चाय तो अपने आप में ही साग बन जाती है, यानी सब्जी बन जाती है, भी हमें रोटी खाने के लिए कुछ ना कुछ लगान चाहिए, चाहे उसके साथ रोटी के साथ चटनी हो, दूध हो, लस्सी हो, दही हो, सब्जी हो, जो कुछ हो हमें लगान चाहिए ताकि उसके सहारे हमारी रोटी नीचे चली जाए। अब चाय है तो सब्जी नहीं है तो चाय के साथ भी रोटी खा सकते हैं, तो उस समय तो खा सकते थे, आजकल तो नहीं, लेकिन उस समय भी लोगों के पास साधन कम थे तो वो खा सकते थे, ठीक है। और ये लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भूख मीठी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है, यानी भूख मीठी होती है, भोजन मीठा होता है, भोजन मीठा होता है क्यों, सॉरी भूख मीठी होती है क्यों, क्योंकि अगर हमारे पेट में भूख लगी है तो हम रूखा भोजन भी बड़े चाव से खाते हैं क्योंकि भूख मिटानी होती है, और अगर हमें भूख नहीं है तो हमारे पास अगर स्वादिष्ट भोजन है तो भी हम उसे नहीं खाते, उसको भी हम कहते हैं ये अच्छा नहीं है, ये नहीं बनता है, जो कुछ भी, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि भूख मीठी हुई, ठीक है। तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं पूरे बाजार में, और किसी घर में अब नहीं मिल सकते ये गिलास। अब माटी वाली उस मालकिन से कहती है कि तुमने अभी तक ये पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं, आज किसी के घर में नहीं मिल सकते। इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए। पुरखों की गाढ़ी कमाई होती है मेहनत की कमाई। बेटा ये अपनी किताब में अंडरलाइन करते रहना और उनका मीनिंग पेंसिल से लिखते रहना ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। गाढ़ी कमाई का मतलब होता है मेहनत की कमाई, यानी पुरखों हमारे पूर्वजों ने भी मेहनत करके कमा के फिर ये गिलास खरीदे होंगे, तो इसलिए मैं इनको हराम के भाव नहीं बेचना चाहती, ऐसे मैंने ऐने ओने पोने दामों में मैं इनको नहीं बेचना चाहती। अब इसका भी आगे क्वेश्चन बनेगा कि मालकिन ने गिलासों को क्यों संभाल कर रखा हुआ था, भी इससे क्या स्पष्ट होता है। इससे स्पष्ट होता है एक तो भाई उनके पूर्वजों की मेहनत की कमाई थी, दूसरा पूर्वजों की याद भी थी। जैसे कोई भी चीज हम पुरानी अपने रख लेते हैं कि ये तो हमारी नानी दादी ने दी थी, तो ये हमारे यादगार के लिए हमें ये निशानी है उनकी, और उनके प्रति उनका प्रेम भी स्पष्ट प्रकट होता है। आगे देखिए, हमें क्या मालूम कैसे तंगी के दिनों में अपने जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज रखने के बजाय मन महसूस कर का मतलब मन को, अपने मन को कंट्रोल करके, महसूसने का मतलब होता है मन को कंट्रोल कर लेना। तो कहते हैं कि अपने मन को कंट्रोल करके पता नहीं कैसे स्वादिष्ट वस्तु चीजें ना खाकर भी ऐसे ही पेट भर के
इतनी मेहनत से ये चीजें कमाई होंगी और अब इनको हम ऐसे ही बेच देंगे तो गलत बात है। ठीक है, करते रहने के बाद खरीदी होंगी उन्होंने ये तमाम चीजें, उनकी जिनकी हमारे लोगों की नजरों में अब कोई कीमत नहीं रह गई, यानी उन लोगों ने पता नहीं कितनी मेहनत की होगी इन चीजों को खरीदने में, लेकिन आजकल के लोगों के दिलों में कोई इज्जत नहीं है उनके बारे में, क्योंकि पुरानी चीजों को आजकल के बच्चे उठाकर बेच देते हैं, ये कोई चीज काम की नहीं है, ये अब कोई नहीं यूज करता, तो इसलिए उसको रद्दी वाले को बेच देते हैं। बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो, जरा दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है, यानी बाजार में अगर जाकर हम पीतल का भाव पूछे तो बहुत महंगा होता है और वो यहाँ से ऐसे ही खरीद ले जाते हैं, और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव इकट्ठा कर ले जाते हैं, यानी पुराने का क्या दाम लगाते हैं, कोई दाम नहीं लगाते, तो इसलिए वो कहती है कि इनको ऐसे ही ले जाते हैं। तमाम बर्तन भांडे होते हैं जो हमारे पीतल के, कांसे के, तांबे के, जो भी बर्तन होते हैं, कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं सब घरों से, यानी अब जो कांसे के बर्तन होते थे अब शादी में सगुन के नाम पर एक कटोरा या एक थाली देते हैं, बाकी पहले क्या होता था शादियों में भी सारे बर्तन वही दिए जाते थे जो कांसे के होते थे, तांबे के होते थे, पीतल के होते थे, सब घरों में वही बर्तन होते थे, अब केवल सगुन के नाम पर एक कटोरा दिया जाता है या फिर एक थाली दी जाती है कांसे की, ठीक है, क्योंकि उनको शुभ मानते हैं। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग, यानी वो बुढ़िया कहती है कि बाकी लोगों के विचार ऐसे नहीं है जो आप कह रही हैं। अब जिस घर में जाओ वहां या तो स्टील के भांडे दिखाई देते हैं या फिर कांच और चीनी मिट्टी के, यानी अब किसी के घर में ये वाले बर्तन है ही नहीं। अपनी चीज का मोह बहुत बुरा होता है, मोह होता है लगाव, लालच। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ, यानी माटी वाली कहती है कि अब इस उम्र में मैं इस शहर को छोड़कर कहाँ जाऊंगी, मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ टेहरी में बांध बन गया और वहाँ जो उसका झोपड़ा बना हुआ था किसी साहूकार की जमीन पर, अब उसको वहां से जाना पड़ेगा। अब जो पैसे वाले आदमी है वो तो कहीं भी जाकर अपना गुजारा कर लेंगे, लेकिन वो बेचारी बुढ़िया कहाँ जाए। ठकुराइन जी, जो जमीन जायदादों के मालिक हैं वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, यानी जो पैसे वाले हैं अमीर लोग हैं वो तो कहीं ना कहीं चले ही जाएंगे, लेकिन मेरा क्या होगा, मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं, यानी मैं कैसे अपना गुजारा करूंगी, मैं कहां बस सकती हूँ। चाय खत्म कर माटी वाले ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई, जो शुरू में ही उसे एक 9-10 साल की बच्ची बुलाने आई थी वो उस घर में चली गई। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले आने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गई, यानी 2 रोटी उस मालकिन ने दी थी, उसमें से एक उसने अपने बुढ़े के लिए रख ली और एक खाली थी, अब 2 रोटी उस घर से भी मिल गई, तो अब उसके पास कुल कितनी रोटियां हो गई, 3 रोटियां हो गई, ठीक है। उन्हें भी उसने अपने कपड़े के दूसरे छोर में बांध लिया, लोग जाने तो जाने कि वह ये रोटियां अपने बुढ़े के लिए ले जा रही है, यानी अब जाने तो जाने भी बुढ़ा भी खाएगा तो सही ना, जो कमा नहीं सकता भी बीमार है लाचार है तो उसके लिए पेट तो भरना पड़ेगा उसका भी। उसके घर पहुंचते ही असक्त बुढ़ा कातर नजरों से, असक्त कमजोर, कातर मतलब डरी हुई घबराई हुई नजरों से उसकी ओर देखने लगता है, वह घर में रसोई बनने का इंतजार करने लगता है, रसोई बनना खाना भोजन बनने का इंतजार करता है कि अब बुढ़िया आई है और अब वो खाना बनाएगी। जब वो घर जाती है तो कातर नजरों से यानी डरी हुई घबराई हुई नजरों से उसकी ओर देखता है और इंतजार करता है कि अब रसोई में भोजन बनेगा और मुझे भोजन मिलेगा। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बुढ़े के हवाले कर देगी, हवाले कर देना उसको परोस देना, क्योंकि बनी बनाई रोटी लाई है तो आज तो जाते ही उसको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जाते ही बुढ़े को रोटियां परोस देगी। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बुढ़े का, यानी जैसे ही रोटियां देखेगा बुढ़ा प्रसन्न हो जाएगा उसको, क्यों, क्योंकि उसको इंतजार नहीं करना पड़ा, इसलिए बुढ़ा बहुत खुश हो जाएगा। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही बहुत है,
जो वर्ड मीनिंग है उनको लिख लेना अपनी बुक में पेंसिल से अंडरलाइन करके, ताकि आपको लेसन को पढ़ने में समझने में कोई दिक्कत ना हो। इन बिटवीन जो भी क्वेश्चन बने उनसे आप आंसर दे सको अपने आप बनाकर, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी का कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।